इकाई चार विष्टि प्रणय सीता स्त्री धन प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह वर्ण संकर गोत्र तथा प्रवर राजतंत्र गणराज्य मत्स्य न्याय अग्रहार ब्रह्मदेव, दशमांश चार दशमलव एक प्रस्तावना चार दशमलव दो उद्देश्य चार दशमलव तीन संकल्पनाएं, विचार तथा शब्दावली चार दशमलव तीन दशमलव एक विष्टि चार दशमलव तीन दशमलव दो सीता चार दशमलव तीन दशमलव तीन स्त्रीधन चार दशमलव तीन दशमलव चार अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह चार दशमलव तीन दशमलव पांच प्रणय चार दशमलव तीन दशमलव छ वर्ण संकर्ता चार दशमलव तीन दशमलव सात गोत्र प्रवर चार दशमलव तीन दशमलव आठ राजतंत्र चार दशमलव तीन दशमलव नौ गणराज्य चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव एक कपिल वस्तु के शाक्य चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव दो सुम सुमार पर्वत के भग चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव तीन अलकप के बुली चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव चार केशपुत् के कालाम चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव पांच रामगाम के कोलिय चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव छः कुशीनारा के मल्ल चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव सात पावा के मल्ल चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव आठ पिप्पली वन के मौर्य चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव नौ वैशाली के लिच्छवी चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव दस मिथिला के विधेय चार दशमलव तीन दशमलव दस मत्स्यन्य चार दशमलव तीन दशमलव ग्यारह ब्रह्मदेय चार दशमलव तीन दशमलव बारह दशमांश चार दशमलव चार सारांश चार दशमलव पांच तकनीकी शब्दावली चार दशमलव छह स्वमूल्यांकित प्रश्नों के उत्तर चार दशमलव सात संदर्भ ग्रंथ सूची चार दशमलव आठ सहायक व उपयोगी पाठ्य सामग्री चार दशमलव नौ निबंधात्मक प्रश्न पृष्ठ तीन सौ आठ चार दशमलव एक प्रस्तावना भारत में ऐतिहासिक काल के प्रारंभ होने के उपरांत भारत और विशेषकर उत्तर भारत में शासन व्यवस्था एवं संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए भारत में आज जो संस्कृति मिलती है उसकी शुरुआत इसी काल में हुई प्राचीन भारत में संस्कृति की अनेक श्रेष्ठ परंपराओं की स्थापना हुई धर्म प्रचारक संतों और उनके अनुयायियों ने लोगों को निकट लाने और साथ साथ रहने के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी प्राचीन काल में शासक वर्ग ने अनेक शासन प्रणालियों को भारत में प्रचलित करने हेतु समय समय पर विभिन्न प्रयोग किए यहां तक कि गणतंत्रीय शासन प्रणाली का प्रथम बीजारोपण भी इसी धरा पर हुआ समाज व्यवस्था एवं संस्कृति के साथ साथ कृषि वाणिज्य व्यापार तथा व्यवसाय एवं उद्योग धंधों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। इसके परिणाम स्वरूप भारत में अनेक नवीन बातों का प्रचलन प्रारंभ हुआ प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए इस काल में व्यवहारित विभिन्न संकल्पनाओं विचार एवं शब्दावली से परिचित होना नितांत आवश्यक है इसके अभाव में इस काल के इतिहास को भली प्रकार से समझ पाना कठिन है इस तथ्य को ध्यान में रखकर आपको प्राचीन काल में प्रयोग की गई अनेक संकल्पनाओं विचार एवं शब्दावली का विवरण दिया जा रहा है इन तथ्यों का अध्ययन कर आप प्राचीन भारतीय इतिहास का भली प्रकार अध्ययन कर पाएंगे और इस काल की जानकारी को ठीक तरह से समझ पाएंगे चार दशमलव तीन संकल्पनाए विचार तथा शब्दावली इस इकाई में आपको विभिन्न संकल्पनाओं विचार तथा शब्दावली का परिचय विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत दिया जा रहा है चार दशमलव तीन दशमलव एक विष्टि गुप्तकालीन लेखों में विष्टि या बेकार का भी उल्लेख मिलता है संभवतः इस काल में ये एक प्रकार का कर था किंतु गुप्त राजाओं के किसी भी लेख में इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है वात्सायन के काम सूत्र से पता चलता है कि गांवों में किसान स्त्रियों को मुखियों के घर के विविध प्रकार के काम जैसे अनाज रखना घर की सफाई खेतों पर काम करना आदि करने के लिए बाध्य किया जाता था और इसके बदले में उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी कुछ विद्वान इस विवरण के आधार पर गुप्तकाल में विष्टि के व्यापक रूप में प्रचलित होने का निष्कर्ष निकालते हैं सामंतवादी व्यवस्था में भी हमें विष्टि नामक कर का प्रचलन देखने को मिलता है इसमें सामंतों द्वारा दासों से विष्टि या बेगार कराई जाती थी विष्टि नामक कर में श्रम का मूल्यांकन नहीं होता था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी विष्टि नामक कर के बारे में पता चलता है साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि राजा अपनी प्रजा से श्रमदान करवाता था जिसके अंतर्गत सभी प्रजा राज्य के कार्य में श्रमदान कर राजा की सहायता करते थे और बाद में ये कार्य उसके अधिकारी वर्ग भी करवाने लगे धीरे धीरे श्रमदान ने विष्टि या बेकार का रूप धारण कर लिया जिसके बदले में श्रमिक को कुछ भी नहीं दिया जाता था गौतम सूत्र में करो की एक लंबी सूची मिलती है कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं व्यापार वाणिज्य आयात निर्यात की वस्तुओं पशुओं फलों दवाओं आदि सभी पर कर लगते थे शिल्पियों तथा श्रमिकों को जो कर नहीं दे सकते थे उन्हें माह में एक दिन राज्य के लिए विष्टि या बेकार करनी पड़ती थी गौतम के अनुसार विष्टि के बदले वे राज्य से भोजन पाने के अधिकारी थे चार दशमलव तीन दशमलव दो सीता चंद्रगुप्त की सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वित्तीय आधार पर अवलंबित थी साम्राज्य के समस्त आर्थिक कार्यकलापों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता था कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा आधिकारिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था जो दासों कर्मकारों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था कुछ राजकीय भूमि खेती करने के लिए कृषकों को भी दे दी जाती थी राज्य के आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था यह सिद्धांत उपज का एक बटा छह होता था परन्तु व्यवहार में आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ बढ़ा दिया जाता था अर्थशास्त्र तथा यूनानी प्रमाणों से पता चलता है कि मौर्य शासन में कृषि की आय पर लोगों को पच्चीस प्रतिशत तक कर देना पड़ता था ऐसी भूमि से तात्पर्य राजकीय भूमि से है अर्थशास्त्र से पता चलता है कि यदि कोई किसान अपने हल बैल उपकरण बीज आदि लगाकर राजकीय भूमि पर खेती करता था तो उसे उपज का आधा भाग प्राप्त होता था पृष्ठ इसके अतिरिक्त किसानों के पास व्यक्तिगत भूमि भी होती थी ऐसे लोग अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देते थे भूमि कर को भाग कहा जाता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था कृषकों को सिंचाई कर भी देना पड़ता था नगरों में जल एवं भवन कर लगाए जाते थे इस प्रकार प्रमुख रूप से सम्राट की अपनी व्यक्तिगत भूमि जो हुआ करती थी उस भूमि से राजा या सम्राट को जो आमदनी अथवा आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था चार दशमलव तीन दशमलव तीन स्त्री धन हिन्दू व्यवस्थाकारों ने स्त्री को चल संपत्ति में पूर्ण अधिकार प्रदान किया इसमें बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण जवाहरात आदि वस्तुएं आती थीं चल संपत्ति के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए स्त्री धन की सामान्य संज्ञा प्रयुक्त की गई ये वो संपत्ति थी जिसके ऊपर सामान्य परिस्थिति में स्त्री का पूर्ण स्वामित्व होता था अल्तेकर का विचार है कि स्त्री धन का विकास कन्या मूल शुल्क से हुआ जो आसुर विभाग के अंतर्गत वर कन्या के पिता को प्रदान करता था पुत्री के प्रति स्नेह के कारण माता पिता उसे शुल्क का अंश अथवा कभी कभी संपूर्ण भाग दे देते थे, थे ताकि वो स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग कर सके यदि कन्या की मृत्यु हो जाती और उसकी संतान नहीं होती तो उस दशा में संपूर्ण धन उसके पिता अथवा भाई को वापस किए जाने का विधान था जहाँ कन्या मूल नहीं दिया जाता था वहाँ विवाह के समय कन्या कुछ उपहार प्राप्त करती थी जिसकी वो स्वामिनी होती थी वैदिक साहित्य में इसके लिए धरी शब्द मिलता है इस प्रकार के उपहारों में बहुमूल्य वस्त्राभूषण हुआ करते थे जिन्हें कन्या ही धारण करती थी कालांतर में कन्या द्वारा विवाह के उपरांत प्राप्त उपहारों को स्त्री धन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया प्रायः सभी व्यवस्थाकार स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण स्वामित्व स्वीकार करते हैं स्मृति ग्रंथों के अध्ययन से हमें स्त्री धन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है मनु ने स्त्री धन के छह प्रकारों का निर्देश किया है एक पिता द्वारा किसी भी समय दिए गए उपहार दो माता द्वारा दिए गए उपहार तीन भाई द्वारा दिए गए उपहार चार पति द्वारा विवाह उपरांत दिए गए उपहार पांच किसी अन्य द्वारा विवाह के समय दिए गए उपहार छ विवाह के पश्चात किसी के द्वारा भी प्रदत्त उपहार स्त्री के पति की मृत्यु के बाद जो व्यक्ति उससे छीनते हैं मनु उसकी कड़ी निंदा करते हैं विष्णु ने उसके अंतर्गत पुत्र द्वारा दिया गया उपहार तथा तलाक के समय पति द्वारा प्राप्त निर्वाह की राशि को भी शामिल किया गया है पृष्ठ तीन सौ ग्यारह सातवीं शताब्दी से हम स्त्री धन के क्षेत्र में विस्तार पाते हैं देवल ने इसमें वृत्ति आभरण शुल्क तथा लाभ की गणना की है विज्ञानेश्वर ने इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत कर दिया तथा इसके अंतर्गत उत्तराधिकार क्रय विभाजन प्रतिग्रह तथा अधिग्रहण द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति को भी समाहित कर लिया इस प्रकार स्त्रीधन के अंतर्गत स्त्री के अधीन प्राय हर प्रकार की संपत्ति को भी समाहित कर दिया गया प्रारंभिक स्मृति लेखकों ने श्री धन के ऊपर स्त्री का अधिकार मानते हुए उसमें सम्मिलित संपत्ति को बेचने का अधिकार उसे नहीं दिया मनु के अनुसार पति के अनुमति के बिना पत्नी निजी संपत्ति को भी बेच नहीं सकती कालांतर में श्री धन के दो भाग कर दिए गए एक सौदायिक तथा दो असौदायिक प्रथम भाग में पिता माता अथवा पति द्वारा स्त्री को दिए गए उपहार रखे गए तथा उसे उसके पूर्ण अधिकार में कर दिया गया शेष धन को असौदायिक कोटी में रखा गया जिसका स्त्री केवल उपयोग कर सकती थी उसे बेच नहीं सकती थी स्त्री द्वारा अचल संपत्ति को बेचे जाने के अधिकार के विषय में शास्त्रकार एक मत नहीं है कात्यायन के अनुसार स्त्री अपनी संपत्ति को बेच सकती है अथवा उसे बंधक रख सकती है नारद का विचार है कि स्त्री को स्त्री धन में निहित केवल चल संपत्ति को ही बेच सकने का अधिकार होता है पूर्व मध्यकाल के लेखकों ने नारद के मत का समर्थन किया है हिन्दू शास्त्रकार प्रायः इस मत के हैं कि स्त्री धन का उपयोग स्त्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्त नहीं कर सकता साधारणतः उसके पति का भी इस पर अधिकार नहीं होता है परिवार के संकट में होने की स्थिति में ही पति इस धन का उपयोग कर सकता था यहां कात्यायन ने यह व्यवस्था दी कि परिवार की स्थिति सुधरने पर पति को धन लौटा देना चाहिए यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों का कर्तव्य है कि वे इसे वापस कर दें स्त्री धन को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार पुत्री को दिया गया था यदि स्त्री की कोई संतान नहीं थी तो धन उसके पिता तथा भाई के पास चला जाता था चार दशमलव तीन दशमलव चार अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों का भी प्रचलन था अनुलोम में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था वैदिक समाज में इस तरह के विवाह प्रायः हुआ करते थे क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे अनेक ब्राह्मण ऋषियों के विवाह क्षत्रिय कन्याओं के साथ हुए थे सौ बारह यवन ने सुकन्या श्यावस्य ने रमवीति अगत्य ने लोपा मुद्रा आदि क्षत्रिय कन्याओं के साथ विवाह किए थे ब्राह्मणों को सभी वर्णों की कन्याओं के साथ विवाह करने का अधिकार था याज्ञवल्क्य के अनुसार अनुलोम से ब्राह्मण तीन क्षत्रिय दो तथा वैश्य मात्र एक वर्ण की कन्या के साथ विवाह कर सकता था ऐतिहासिक काल में भी इस प्रकार के विवाहों के दृष्टांत मिलते हैं शुंग शासक अग्निमित्र की पत्नी मालविका क्षत्रिय कन्या थी राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी क्षत्रिय थी राजतरंगिणी तथा कथा सरित सागर जैसे ग्रंथों में इस प्रकार के कई विवाहों के उदाहरण मिलते हैं इससे सिद्ध होता है कि पूर्व मध्य युग तक इस प्रकार को मिताक्षरा तथा धाय भाग भी वैधता के साथ स्वीकार करते हैं किंतु बाद की स्मृतियों में इस प्रकार के विवाह की निंदा की गई है असवर्णा पत्नी को धार्मिक कार्यों से वंचित रखा गया तथा उत्पन्न पुत्र को सवर्ण विवाह से उत्पन्न पुत्र की तुलना तो में बहुत कम अधिकार प्रदान किए गए मनु ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि इस प्रकार के विवाह से समाज में वर्ण संकरता उत्पन्न होती है प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ होता था इस प्रकार के विवाह को निंदनीय माना गया है तथा समाज में इसका बहुत कम प्रचलन था प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को निकृष्ट एवं अस्पृश्य बताया गया है मनु ने ब्राह्मणों से उत्पन्न क्षत्रिय पुत्र को सूत क्षत्रिय से उत्पन्न वैश्य पुत्र में मागत ब्राह्मणी से उत्पन्न वैश्य पुत्र घृणित बताया है हिन्दू शास्त्रकारों ने निम्न वर्ण के व्यक्ति को अपने ऊंचे वर्ण की कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति प्रदान नहीं की है चार दशमलव तीन दशमलव पांच प्रणय प्रणय एक शाब्दिक अर्थ है जिसका अर्थ प्रेम प्रसंग होता है अर्थात जहां नायक एवं नायिका के मध्य श्रृंगार रस के संयोग एवं वियोग श्रृंगार का योग होता है यहाँ प्रणय की उत्पत्ति होती है प्राचीन इतिहास में बहुत से लेखक एवं कवियों द्वारा प्रणय का वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत नायक एवं नायिका अपनी इच्छा से विवाह के सूत्र में बंध कर गृहस्थ आश्रम के अनुष्ठानों को पूर्ण करते हैं स्मृतियों में एक वर्णित गंधर्व विवाह प्रणय विवाह तथा जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरुक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे मनु ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है जहां वर तथा कन्या स्वेच्छा से परस्पर मिलते हैं तथा कामवश उनमें मैथुन संबंध स्थापित हो जाता है वहां गंधर्व विवाह होता है इस विवाह का प्रचलन प्रत्येक युग में था भारत भी राजपूत जातियों में यह सर्वाधिक प्रचलित प्रकार का था वाचायन ने इसे सबसे अधिक पूजित बताया है महाभारत में भी इसे सर्वोत्तम विवाह बताया गया है पृष्ठ तीन सौ तेरह चार दशमलव तीन दशमलव छः वर्ण संकरता। वर्ण संकरता का शाब्दिक अर्थ है सभी वर्णों का आपस में मिश्रित होना प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का प्रचलन था अनुलोम में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे की वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था वैदिक समाज में इस तरह के विवाह प्राय हुआ करते थे चवन ने सुकन्या श्यावस्य ने रथवीति अगस्त ने लोपामुद्रा आदि क्षत्रिय कन्याओं के साथ अपने विवाह किए ब्राह्मणों को सभी वर्णों की कन्याओं के साथ विवाह करने का अधिकार था याज्ञवल्क के अनुसार अनुलोम से ब्राह्मण तीन क्षत्रिय दो तथा वैश्य मात्र एक वर्ण की कन्या के साथ विवाह कर सकता था ऐतिहासिक काल में इस प्रकार के विवाहों के प्रमाण मिलते हैं शुंग शासक अग्निमित्र की पत्नी मालविका क्षत्रिय कन्या थी राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी क्षत्रिय थी राजतरंगिणी तथा कथा सरित सागर जैसे ग्रंथों में इस प्रकार के कई विवाहों के उदाहरण मिलते हैं इससे सिद्ध होता है कि पूर्व मध्य युग तक इस प्रकार के विवाह समाज में प्रचलित एवं वैध थे स्मृति ग्रंथ इसकी मान्यता प्रदान करते हैं मिताक्षरा तथा दायभाग भी इसकी वैधता स्वीकार करते हैं किंतु बाद की स्मृतियों में इस प्रकार के विवाह की निंदा की गई है असवर्णा पत्नी को धार्मिक कार्यों से वंचित रखा गया तथा उससे उत्पन्न पुत्र को सवर्ण विवाह से उत्पन्न पुत्र की तुलना में बहुत कम अधिकार प्रदान किए गए मनु ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि इस प्रकार में विवाहों से वर्ण संकरता उत्पन्न होती है चार दशमलव तीन दशमलव सात गोत्र प्रवर गोत्र का मूल अर्थ गौशाला था जो बाद में वंश अथवा कुल का बोधक बन गया किसी परिवार में गोत्र का नामकरण उसके आदि संस्थापक ऋषि के नाम पर होता था प्रवर का शाब्दिक अर्थ आवाहन या प्रार्थना है यज्ञ कराते समय पुरोहित अपने श्रेष्ठ ऋषि पूर्वजों के नाम का उच्चारण करता था कालांतर में ये शब्द व्यक्ति के ऋषि पूर्वजों के नाम से संबद्ध हो गया ये ऋषि गोत्र संस्थापक ऋषियों के भी पूर्वज होते थे यज्ञादि धार्मिक कार्यों के अवसर पर उनके नाम का उच्चारण आवश्यक था आपस्तंभ के अनुसार प्रत्येक गोत्र में प्रायः तीन प्रवर ऋषि होते थे पिंड का शाब्दिक अर्थ शरीर है अतः सपिंड विवाह से तात्पर्य उन दो व्यक्तियों के विवाह से है जिनमें समाज शरीर का रक्त विद्यमान है शास्त्रकारों ने पिता पक्ष में सात तथा माता पक्ष में पांच पीढ़ियों तक के सपिंड को निषिद्ध माना है हिंदू समाज में सवर्ण तथा अंतर्वर्ण विवाहों का भी प्रचलन था धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि व्यक्ति को अपने ही वर्ण जाति में विवाह करना चाहिए इससे लौकिक यश की प्राप्ति होती है तथा अच्छे संतान की उत्पत्ति होती है समाज गोत्र प्रवर तथा पिंड से विवाह करना वर्जित था चार दशमलव तीन दशमलव आठ राजतंत्र राजतंत्र के अंतर्गत राजा ही प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता था राजा के अधिकार असीमित होते थे उसका आदेश ही कानून होता था राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा का योग्य होना अत्यंत आवश्यक होता था चाणक्य ने भी इस बात पर महत्व दिया है उसने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा का जो शील होता है वही प्रजा का भी होता है यदि राजा परिश्रमी एवं उन्नतिशील हो तो प्रजा भी उन्नतिशील हो जाती है और यदि राजा दुर्व्यसनी हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है अतः चाणक्य ने राजा में निम्न गुणों का होना परमावश्यक बताया है वो राजा ऊंचे कुल का हो उसमें दैवीय बुद्धि व शक्ति हो वो वृद्धजनों की बात सुनने वाला हो धार्मिक व सत्यवादी हो परस्पर विरोधी बातें करने वाला ना हो उसका लक्ष्य ऊंचा हो उसकी परिषद छोटी ना हो तथा विनयानुगामी हो ऋग्वेदिक काल से ही भारत में राजतंत्र व राजनीतिक संगठन का विकास क्रमिक रूप में हुआ परिवारों से कुल कुलों से ग्राम ग्रामों के समूहों से विश्व बने और उसके बाद जनों का निर्माण हुआ अंत में राष्ट्र की उत्पत्ति हुई परिवार का मुखिया प्रधान पुरुष कुल का कुलपति ग्राम का ग्रामीण विश्व का विश्वपति होता था विश्व से बड़ा जन का शासक जनपति या राजा कहा जाता था और उसके अधीनस्थ निम्न वर्ग में अधिकारी कार्य करते थे राजा अपनी शासन व्यवस्था को लोक हितकारी बनाने के लिए मंत्री परिषद का निर्माण करता था समय समय पर मंत्री परिषद राजा को परामर्श आदि देती थी लेकिन राजा मंत्री परिषद के परामर्श मानने को बाध्य नहीं होता था राजा का पद दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से उत्प्रेरित था मनुस्मृति में माना गया है कि परमेश्वर ने राजा की सृष्टि की ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि प्रजा ने राजा को स्वयं चुना पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार पहला आर्य राजा मनु को चुना गया था प्राचीन भारत में राजतंत्र का इतना प्रभाव था कि राजपथ की उत्पत्ति को नागरिक समाज की उत्पत्ति मान लिया गया और राजा को राज्य की आत्मा कहा गया प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राजा प्रजा के लिए ब्रह्म की देन है जिससे वो प्रजा को कष्टों से छुटकारा दिला सके राजा विहीन समाज का जीवन कष्टपूर्ण होता है प्राचीन भारतीय विद्वानों ने राजा या राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर अनेक विचार प्रस्तुत किए। कौटिल्य ने राज्य या राजा को मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक एवं कल्याणकारी संस्था माना है उन्होंने राजतंत्र की विधिवत एवं क्रमबद्ध विवेचना नहीं की लेकिन अर्थशास्त्र में यत्र तत्र विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य राजा की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत में विश्वास करते हैं प्रारंभ में अधिकांश इतिहासकारों की धारणा थी कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही थे परंतु बाद की खोजों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि भारत में राजतंत्रों के साथ साथ गणराज्य अथवा संघ राज्यों का भी अस्तित्व था सर्वप्रथम 1903 में रिच डेविड्स ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज की थी अवदान शतक से पता चलता है कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी दक्षिण गए तथा लोगों ने उनसे उत्तर भारत की शासन व्यवस्था के विषय में पूछा उत्तर में उन्होंने बताया कि कुछ देश गणों के अधीन हैं तथा कुछ राजाओं के केचित चित गणाधीना के राजाधीना आचारांक सूत्र जैन भिक्षु को चेतावनी देता है कि उसे उस स्थान में नहीं जाना चाहिए जहां गणतंत्र का शासन हो पाणिनी ने राजतंत्र को संघ से भिन्न बताया है क्षत्रियोदक राजाक संघ प्रतिषेधाथकम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है वार्ता शास्त्रोपजीवी तथा राज शब्दोपजीवी प्रथम के अंतर्गत कम्बोज सूराष्ट्र आदि तथा दूसरे के अंतर्गत लिच्छवी बाजे मल्ल मद्र कुकुर, पांचाल आदि की गणना की गई है स्पष्टता यहाँ राज शब्दोपजीवी संघ से तात्पर्य उन गणराज्यों से है जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे महाभारत में भी गणराज्यों का उल्लेख मिलता है साहित्य के अतिरिक्त यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से भी प्राचीन भारत में गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है मुद्रा संबंधी प्रमाणों से भी गणराज्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है मालव योधे अर्जुनायन आदि अनेक गणराज्यों के सिक्के राजा का उल्लेख न कर गण का उल्लेख करते हैं इस प्रकार ये सिद्ध हो गया है कि प्राचीन भारत में गणराज्य थे और वे राजतंत्रों से इस अर्थ में भिन्न थे कि उनका शासन किसी वंशानुगत राजा के हाथ में न होकर गण अथवा संघ के हाथ में था बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार हैं चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव एक कपिल वस्तु के शाक्य ये गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था जिसकी राजधानी कपिल वस्तु थी शाक्य गणराज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत पूर्व में रोहिणी नदी तथा दक्षिण एवं पश्चिम में राप्ती नदी स्थित थी कपिल वस्तु की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोट से की जाती है कुछ विद्वान इसकी पहचान बस्ती जिले के पिपर हवा नामक स्थान से करते हैं चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव दो सुनसुमार पर्वत के भग सुनसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है ऐसा लगता है कि भग्ग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित वंश से संबंधित थे भग्ग गणराज्य के अधिकांश क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र की यमुना तथा सोन नदियों के बीच का प्रदेश सम्मिलित था भग्ग लोग वत्सों की अधीनता स्वीकार करते थे ज्ञात होता है कि सुनसुमार पर्वत पर वत्सराज उदयन का पुत्र बोध निवास करता था चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव तीन अलकप के बुली ये गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शाहबद आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच में स्थित था बुलिया का वेट द्वीप या बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था संभवतः ये उनकी राजधानी थी चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव चार केशपुत्त के कालाम केशपुत्त का निश्चित रूप में समीकरण स्थापित कर सकना कठिन है ये गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था संभवतः ये राज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान तक फैला हुआ था इसी गणराज्य के आलार कालाम नामक आचार्य से, जो उरुवेला के समीप रहते थे महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव पांच रामगाम के कौलिय ये शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था दक्षिण में ये गणराज्य सरयू नदी तक विस्तृत था शाक्य और कौली राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी दोनों राज्यों के बीच सिंचाई के लिए इसी नदी के जल पर निर्भर करते थे चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव छह कुशीनारा के मल्ल कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले में स्थित वर्तमान कसया नामक स्थान से की जाती है वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव सात पावा के मल्ल पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के लोग थे जैन साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजात शत्रु के रूप में मल्लो ने लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था अजात शत्रु ने लिच्छवियों को पराजित कर मल्लों को भी जीत लिया था चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव आठ पिप्पली वन के मौर्य मौर्य गणराज्य के लोग शाक्यों की एक शाखा थे महावंश टीका से पता चलता है कि कौशल नरेश विडुप्प के अत्याचारों से बचने के लिए वे हिमाचल प्रदेश में भाग गए जहां उन्होंने मोरों की कुक से गुंजायमान स्थान में पिप्पली वन नामक नगर बसा लिया मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण ही वे मौर्य कहलाये चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव नौ वैशाली के लिच्छवी यह काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था लिच्छवी बच्ची संघ में सर्वप्रमुख थे उनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसार नामक स्थान में स्थित थी महावाग जातक में वैशाली को एक धनी समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है एक पण्य जातक से पता चलता है कि वैशाली नगर चारों ओर से तीन दीवारों से घिरा हुआ था चार दशमलव तीन दशमलव नौ दशमलव दस मिथिला के विधे बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भूभाग में विधेय गणराज्य स्थित था प्रारंभ में ये राजतंत्र था यहां के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे परंतु बुद्ध के समय में ये बज्जी संघ का राज्य बन गया विधेय के लोग भी बज्जी संघ के सदस्य थे उनकी राजधानी मिथिला की पहचान जनकपुर से की जाती है बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था जहाँ श्रावस्ती के व्यापारी अपना माल लेकर आते थे चार दशमलव तीन दशमलव दस मत्स्य न्याय मत्स्य न्याय का शाब्दिक अर्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट किया गया है जिसका अर्थ है जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ठीक उसी प्रकार समाज के कुलीन वर्ग के लोगों ने निम्न वर्गीय लोगों का शोषण अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था इससे समाज बुरी तरह से प्रभावित होता था मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए कौटिल्य ने राज्य एवं राजा की कल्पना को अनिवार्य माना है जिसके द्वारा समाज को व्यवस्थित किया जाए आचार्य कौटिल्य ने राज्य की दशा में अन्याय पर आधारित मत्स्य न्याय फैलने के प्रति चिंता प्रकट करते हुए राज्य को अनिवार्य माना है इसी प्रकार आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किया कि धर्म और राज्य के अभाव में शक्तिशालियों द्वारा निर्बलों